गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, कल रात को हम पहुंच गए थे जीबी और हमें ये डिसेंट सा स्टे मिल गया था यहाँ पर, जिसके लिए हमने पे किए थे 2000 रुपीज। बट यहाँ से जो बाहर का नजारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अब आप लोग देखिए यहाँ से बाहर का खूबसूरत सा नजारा। आप लोग जहाँ भी नजर डालेंगे आपको ग्रीनरी दिखेगी और सामने बह रही है एक प्यारी सी खूबसूरत सी रिवर, जहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, ये है अपना अटल जो बाहर से ऐसा दिखता है, और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड थोड़ी देर बैठने के लिए। तो लो जी, पहुंच गए हम रिवर साइड। रास्ता देख रहे हैं थोड़ा सा, बाकी आप लोग शोर सुन ही पा रहे होंगे इसका कितना तेज है अभी इस टाइम पे। चलो जी, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया हमारा। बाय अंकल जी। सो ये है जीबी गाइस। अभी तो वीकेंड में बहुत रश है इस टाइम पे तो, बट खूबसूरत है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा, मतलब पेड़ वेड़ है यहाँ पर, तो लश ग्रीन फॉरेस्ट कह सकते हो आप। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो नज़ारे थे और भी सुंदर हो गया था। जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे, तो बाइक राइड करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा था। अरे देखो कितनी पत्ते पत्ते गलियाँ हैं बंजार में। एक्चुअली बात, पीछे बस वाले ने कांच के ऊपर चढ़ा दिया और उसका पूरा टायर फट गया। ओ भाई साहब, ये देखो भाई साहब कितना बड़ा पत्थर आ रखा है नीचे, वो भी ऐसी जगह पे। भाई साहब ये रोड क्या मस्त है, और पानी का भी जो बहाव है ना बहुत तेज है इस टाइम पे। और सामने मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, देखना आप लोग, आप लोगों का दिल भाग। और वाह, देख रहे हो आप लोग, वाह वाह वाह, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। This waterfall is so amazing। इतनी हाइट से बह रहा है, वाह भाई वाह। आप लोग देखिए यहाँ से नज़ारा। इसके बाद हम लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक, क्योंकि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, और क्योंकि अपने पास कुकिंग का सामान था तो इस बार भी हमने अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बनाया। और ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल हम क्या ही बना सकते थे, तो हमने बनाया मैगी जो कि हमारे पास रखी हुई थी जी। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, पेट एकदम बिल्कुल फुल हो चुका है, लेकिन ये मनाली का रास्ता कब ठीक होगा यार। इसके बाद निकल पड़ते हैं फिर से हम अपने सफ़र पर। अच्छा गाइस, मैं आपको बताना भूल गया कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आज का हमारा प्लान था वैसे कसौली पहुंचने का और वहाँ स्टे करने का, और फिर कल हम दिल्ली के लिए निकल जाते, लेकिन प्लान में हो गया कुछ चेंज जब हम कसौली पहुंचते हैं, और वो मैं बताता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। मंडी क्रॉस करने के बाद फिर से गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी, तो हमने ये लिया था एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गया, सब ने रेनकोट पहन लिया और निकलते हैं कसौली के लिए। मैंने भी अपना GoPro अंदर रख दिया, कि बारिश तो ज़्यादा तेज़ हो रही है, अब तो मिलते हैं आपको कसौली अगर बारिश बंद नहीं हुई तो। तो अभी भी यहाँ से कसौली है 25 किलोमीटर, बीच में बारिश हो गई थी तो हमने GoPro अंदर रख दिया। अब देखिए आप क्या मौसम हो गया, पूरा बादल नीचे आ गए या फॉग कह लो। है आपका धर्मपुर रेलवे स्टेशन, और यहीं से आपकी ट्रेन भी जाती है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कसौली पहुँचते हैं, बट कसौली उस टाइम पे फुल पैक था, सभी होटल ऑलमोस्ट सोल्ड आउट थे, और जो मिल भी रहे थे वो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे में से एक बाइक में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी, बाइक बार बार बंद हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग हिमाचल प्रदेश से निकल कर चंडीगढ़ के आसपास स्टे करते हैं। इसलिए हम लोग उस दिन जीरकपुर में स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे फिर हम दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को पूछना है बताना है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई जीबी ट्रिप सीरीज। मिलते हैं आपको ऐसे ही न्यू ट्रेवल वीडियोस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेवलिंग।
getting to